Vivo का नया स्मार्टफोन Y16 कम बजट के अंदर काफी ज्यादा मजेदार फीचर्स के साथ में आता है और लुक्स डिजाइन में तो काफी तगड़ा है। जो इसका ड्रेजलिंग गोल्ड है वो भी काफी अच्छा कलर है और दूसरा कलर है इसका स्टेलर ब्लैक, जिसके अंदर आपको जब सनलाइट के अंदर या फिर लाइटिंग कंडीशन में उसको लेके जाओगे तो उसके बैक पैनल पे स्टेलर आपको यानी कि स्टार दिखाई देंगे और काफी तगड़ा लगता है। इस स्मार्टफोन के बारे में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस स्मार्टफोन का बॉक्स साइज के अंदर तो भाई काफ़ी छोटा और स्लिम बनाया गया। सबसे पहले स्मार्टफोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स, भाई ट्रांसपेरेंट कवर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। 10 वॉट का चार्जर मिलता है और टाइप सी यूएसबी डेटा केबल एंड सिम एग्जिटर टूल। लुक्स में तो काफ़ी तगड़ा स्टाइलिश स्मार्टफोन है। बैक साइड के अंदर आपको प्लास्टिक एंड प्लास्टिक फ्रेम मिलेगी और डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। बॉटम साइड में स्पीकर, टाइप सी यूएसबी पोर्ट एंड माइक होल, 3.5 एमएम जैक मिल जाता है। राइट साइड के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड वॉल्यूम डाउन अप की। लेफ्ट साइड के अंदर बिल्कुल सिंपल है, ऊपर की तरफ सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा। साइड माउंट एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी सही वर्क कर जाता है। डिस्प्ले इसमें 6.51 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है HD+, 60 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। दोस्तों आउटडोर के अंदर भी आपको आसानी से विजिबल हो जाएगी और टच एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, स्मूथली वर्क करती है। 80.2 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये वाली डिस्प्ले काफ़ी सही है। सॉफ्टवेयर इसमें वीवो का लेटेस्ट वर्जन फनटच OS 12 और एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस्ड है। रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और वाटर ड्रॉप नोज में 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो सबसे पहले पैनोरामा मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ पे फोटो वीडियो के अंदर आप 1080p 30fps पर फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरे से शूट कर पाओगे। लाइव फोटो, टाइम लैप्स, प्रो मोड, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। पैनोरामा मोड के अंदर आपको स्लो फोटो क्लिक करनी होगी गाइज। अगर आप जल्दी फोटो क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हमने स्टार्टेड में स्लो फोटो क्लिक की तो डिटेल सही देखने को मिलती है, और जैसे ही हाथ को भाई फास्ट किया मूव होना तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हल्का आपको शार्पनेस देखने को मिलेगी। और गाइस बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल होके भाई काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स कवर करता है, जैसे कि भाई आप देख पा रहे हो। और सेल्फी कैमरे में भी बोके मोड मिल जाता है। और पोर्ट्रेट कैमरे की बात करें तो पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। रियली गाइज कैमरा काफ़ी क्वालिटी के वाइज अच्छा है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो कलर्स वगैरह सही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्टेबल मोड देखने को नहीं मिलता है, ये एक यहाँ पर मिसिंग लगा। अगर स्टेबल मोड होता तो और भी काफ़ी अच्छी तरीके से कैमरे को इम्प्रूव किया जा सकता था। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। इसमें आप अच्छी फोटो क्लिक कर पाओगे दोस्तों बजट के अकॉर्डिंग। प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो P35 मिलता है, 12 नैनोमीटर की चिपसेट के साथ में बेस्ड है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके 4GB रैम वेरिएंट के अंदर आप 1GB रैम एक्सटेंड कर पाओगे और जो इसका दूसरा वेरिएंट है 3GB रैम उसके अंदर आप 1.5GB रैम एक्सटेंड कर पाओगे, जिससे मल्टीटास्किंग वगैरह एक साथ में बहुत सारे ऐप्स चला पाओगे और लैगिंग स्टेटस आपको बहुत कम देखने को मिलता है। 5000 एमएच बैटरी बैकअप तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 10 वॉट का चार्जर मिलता है। अगर 18 वॉट का होता तो और भी ज़्यादा बेहतरीन होता। आपको थोड़ा और टाइम देना होगा इस मोबाइल को चार्ज करने में, क्योंकि बड़ी बैटरी मिलती है। इस मोबाइल की फिजिकल सेफ्टी के लिए इसमें IPX डस्ट रेसिस्टेंट मिलता है कि भाई अंदर मिट्टी वगैरह जाने से बचाएगा, और IPX3 वाटर रेसिस्टेंट, हल्के फुल्के पानी के छिट्टे वगैरह भी अंदर जाने से बचेंगे, जिससे मोबाइल सेफ बना रहेगा। इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस है 9,990 रुपये, जिसमें 3GB रैम 32GB स्टोरेज मिलता है, और दूसरा वेरियंट है इसका 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 12,490 रुपये। रियली गाइज बजट के अकॉर्डिंग इसका कैमरा कटआउट एंड कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। 5000 एमएच बैटरी और स्टाइलिश स्मार्टफोन मिलता है और 464GB स्टोरेज मिल जाता है, तो काफ़ी स्टाइलिश स्मार्टफोन है, इसको आप नो डाउट खरीद सकते हो। एंड दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।